महुआ प्रखंड क्षेत्र के मऊराही पंचायत के राम राय गांव में अर्जाम को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा महुआ सिंह राय के बया नदी स्थित काली घाट से निकाली गई। हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ 511 महिलाओं ने कोन्हरा घाट से लाई गई गंगा जल से जल भरकर सर पर कलश लेकर राम राय की ओर रवाना हुई। महिलाओं ने महुआ सिंह राय, बच्चन शर्मा चौक, गांधी चौक, मुजफ्फरपुर रोड होते हुए यज्ञ स्थल राम राय गाँव पहुँची। इस दौरान भक्तिमय गीत संगीत से पूरा क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। राम राय गाँव में कलश यात्रा पहुंचकर पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ कलश की स्थापना की गई। इस कलश यात्रा में अध्यक्ष प्रकाश कुमार और इंद्रजीत कुमार, उपाध्यक्ष मिथिलेश राय, सचिव अजय सीता राय, विश्वनाथ राय, शंकर राय, अनिल राय, रोहित कुमार, अविनाश कुमार, भूषण राय, किशोर राय, दिलीप कुमार, संतोष कुमार, बब्बू कुमार, दीपक कुमार, बुलेट कुमार, मुन्ना कुमार, अमरजीत राय, देवानंद कुमार आदि शामिल थे। महुआ नगर परिषद के वार्ड संख्या 6 के पार्षद अरुण कुमार सिंह ने पटना में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महुआ नगर परिषद के विकास की चर्चा करते हुए विभिन्न योजनाओं की मांग की। इसके अलावा अरुण कुमार सिंह ने महुआ अनुमंडल में अनुमंडल स्थलीय सिविल कोर्ट की भी मांग की। उन्होंने बताया कि महुआ को अनुमंडल हुए लगभग 31 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहां पर सिविल कोर्ट नहीं खुला है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद से महुआ अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय सिविल कोर्ट खोलने की भी मांग की है। महुआ के शेरपुर छतवारा गांव के समाजसेवी मोहम्मद समी के पुत्र की शादी में शिरकत करने के लिए पूर्व खेल एवं सांस्कृतिक मंत्री शिव चंद्र राम महुआ के भी सेलिब्रेशन विवाह भवन में पहुँचे। इस दौरान उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनके साथ संजय गुप्ता, अनिल गुप्ता, ब्रजेश पटेल, डॉक्टर सोनेलाल राय, राजकमल जायसवाल, जदयू नेता पारसनाथ गुप्ता सहित अन्य लोग शामिल थे। महुआ थाना क्षेत्र के कादिलपुर गांव में दो घरों में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सामान चोरी कर फरार हो गए। बताया जाता है कि कादिलपुर निवासी मोहम्मद यूनिश और मोहम्मद सलीम एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए अपने घर से बाहर थे, जिसके कारण घर में कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर में रखे लगभग 3 लाख रुपए के जेवरात और 75,000 रुपया नगद चुरा कर फरार हो गए। सुबह में जब वे लोग घर आए तो देखा सारा सामान बिखरा हुआ है और घर में चोरी हो चुकी है, जिसके बाद गृह स्वामी ने इस संबंध में महुआ थाना में सूचना दी। सूचना मिलते ही महुआ पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। महुआ के फुलार चौक के पास साइकिल चोरी करते चोर धराया, लोगों ने पिटाई कर किया पुलिस के हवाले। खबर महुआ से है, जहां के फुलार गांव के पास एक युवक साइकिल चोरी कर रहा था, जिसे ग्रामीणों ने धर दबोचा और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार चोर कटारा ओपी के डगहा गांव निवासी
लखिंदर राय का पुत्र सुधीर कुमार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने सुधीर से सघन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने सुधीर के निशानदेही पर कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 9 चोरी के साइकिल बरामद किया है।